हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शैली की दुनिया। एंड दिस इज शैली। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ अपना नायका। सारी चीज़ें मैंने ऑर्डर की थी। और एक्चुअली क्या था, ये बहुत सारे मतलब मल्टीपल बॉक्सेस में आया था, तो मैंने जो एक बड़ा बॉक्स था उसी में ही सारे जो प्रोडक्ट्स थे वो सब एक जगह रख लिए हैं। वो है इसमें, और अभी मैं इसको ओपन करके आपको दिखाऊंगी। बहुत सारी चीज़ें इसमें, स्किन केयर से लेके मेकअप तक सारी चीज़ें, जो जो मेरी ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली थी या फिर जो मेरे को नीड पड़ती, इन सब चीज़ों को मैंने रीऑर्डर किया था। क्योंकि नायका पर चल रही है पिंक फ्राइडे सेल, जो कि साल की सबसे बड़ी सेल होती है। तो इन केस अगर आप भी कोई किसी भी प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हैं, तो उनके लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूंगी, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस बॉक्स को मैं ओपन करके आपको दिखाती हूँ। इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, देखिए कुछ इस तरीके से मैंने सारे जो मल्टीपल बॉक्सेस के थे सभी इस बॉक्स में करके मैंने रख दिए हैं। और इसमें कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे भी होंगे जिन पे मैं आपको पर्टिकुलर रिव्यू भी दूंगी अपनी वीडियो में। और सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने ये मंगवाया था 6 AM ग्लो का, ये पाइवेट द पोर्स, यानी कि ये टोनर है। और ये मैं फर्स्ट टाइम ट्राई करूंगी। मुझे ये इसके रिव्यूज़ वगैरह जो थे वो बहुत अच्छे लगे। काफ़ी अच्छा ब्रांड है, रेनॉन्ड ब्रांड है। और ये है डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड, पैराबेन, SLS फ्री वगैरह। और इसमें ऑल स्किन टाइप है। एक्चुअली मेरा जो टोनर था, फेस टोनर जो था, वो ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, तो मैंने ये नायका पर देखा था, तो इसके रिव्यूज़ भी अच्छे थे, तो मैंने ये मंगवा लिया। प्लस इसमें सैलिसिलिक एसिड है और ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, तो जिनकी भी एक्ने प्रोन स्किन है उनके लिए सबसे बेस्ट है ये सैलिसिलिक एसिड, या फिर जिनको भी ओपन पोर्स की या फिर ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स की प्रॉब्लम है। तो पहला जो प्रोडक्ट था वो था ये, और इसकी जो MRP है, आई थिंक इसकी MRP जो है वो मैं मैंशन कर दूंगी आप लोगों के साथ, यहाँ पर स्क्रीन पर मैंशन कर दूंगी। हाँ, MRP है इसकी 590, और इसकी जो क्वान्टिटी है वो है 100 ml। आई नो ये बहुत कॉस्टली है, बट देखते हैं। मैंने इसके रिव्यूज़ देखे थे और मैंने यूट्यूब पे भी इसके रिव्यूज़ देखे हैं, तो मैंने सोचा इसको ट्राई करते हैं। तो पहला जो प्रोडक्ट था वो था ये। नेक्स्ट है फेस वॉश, और ये है फ्रॉम द ब्रांड MCaffeine। MCaffeine से मैंने ये फेस वॉश मंगवाया था। ये काफ़ी अच्छा है, जैसे कि अब विंटर्स हैं, तो विंटर्स में कॉफ़ी का जो फेस वॉश है काफ़ी अच्छे से, काफ़ी हद तक ये आपकी स्किन को जो है वो स्क्रब भी करता है। फेस वॉश के साथ, मतलब क्लेंजिंग के साथ साथ स्क्रब भी करता है। और ये है नॉर्मल टू ऑयली स्किन, क्योंकि मेरी नॉर्मल टू ऑयली ही जाती है, तो मैंने ये नेक्स्ट प्रोडक्ट ये मंगवाया था। और इसकी MRP है 349, और आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट में मिल जाएगा। क्वांटिटी इसकी 100 ml है, तो इसको भी मैं ट्राई करूँगी, क्योंकि मेरा ये ख़त्म हो गया था। अब नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है फ्रॉम द ब्रांड इनसाइड कॉस्मेटिक्स। आजकल मैं देख रही हूँ इनसाइड के जो प्रोडक्ट्स हैं ना, वो मेकअप प्रोडक्ट जितने भी हैं काफ़ी अच्छे हैं, मतलब अच्छे खासे बड़े ब्रांड को ये टक्कर दे रहे हैं। और इसके मैं प्रोडक्ट्स धीरे धीरे करके ट्राई कर रही हूँ, जैसे जैसे मेरे पास जो जो चीज़ें ख़त्म होती जाएंगी उसमें मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा इनसाइड कॉस्मेटिक्स का कलेक्शन करती जाऊँ। तो ये मैंने मंगवाया था, मेरे पास एक्चुअली एक भी नहीं था ये बनाना लूज पाउडर, मैंने रिव्यू देख कर ही मंगवाया था, तो मैं इसको ट्राई करके आपको बताऊँगी। और इसकी जो MRP है 205 rupees, और जिस प्राइस में मुझे ये पड़ा था इसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिस्प्ले पर मेंशन कर दूंगी। और इसकी क्वांटिटी है 400 ग्राम। मैं आपको एक बार दिखाती हूँ इसको किस तरीके से है। आपको इसमें पफ नहीं मिलेगा, कुछ इस तरीके की इसकी बॉटल है, प्लास्टिक की बॉटल है। और यहाँ पे जहाँ आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको थोड़े से डैब डैब करना होगा, आई थिंक यहाँ पे छेद करने होंगे आपको थोड़े से, तब जाके ये पाउडर जो है वो आपको लेना होगा। तो फर्स्ट टाइम मैं ट्राई करने जा रही हूँ बनाना पाउडर, तो मेकअप को सेट करने के लिए काम आता है, या तो बनाना पाउडर हो, मतलब लूज पाउडर्स हम लोग बेसिकली मेकअप को सेट करने के लिए यूज़ करते हैं, तो या तो उसमें बनाना पाउडर हो या फिर ट्रांसल्यूसेंट पाउडर्स आते हैं वो हो सकता है, तो आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अगर आपकी स्किन मतलब आपको स्किन टाइप समझ में नहीं आ रहा है कौन सी स्किन टोन के अकॉर्डिंग लें, तो आप ट्रांसल्यूसेंट पे भी जा सकते हैं। नेक्स्ट है ये है फ्रॉम द ब्रांड स्विस ब्यूटी। मेरा जो प्राइमर था, इससे पहले आपने मेरे वीडियो में देखा होगा, मैं मोस्टली नायका का जो प्रेप मी अप प्राइमर है वो यूज़ करती हूँ, लेकिन इसका जो रिव्यू है बहुत अच्छे अच्छे मेकअप आर्टिस्ट ने भी दिया हुआ है। ये है स्विस ब्यूटी का हाइलाइटिंग प्राइमर, और ये काफ़ी हद तक आपके एक तरीके से ये लगा लीजिए जितना भी, जैसे इल्यूमिनेटर वगैरह होते हैं उसका काम करता है, मतलब प्राइमर तो है ही, लेकिन ये इल्यूमिनेटर का भी काम करता है।
तो इसको जब मैं यूज करूंगी किसी मेकअप लुक में तब मैं आपको बताऊंगी। तो ये है रियल मेकअप बेस प्राइमर, नेक्स्ट प्रोडक्ट था ये। और इसकी जो एमआरपी है, इसकी एमआरपी है 429 और इसकी जो क्वांटिटी है 32 ml। तो नेक्स्ट था मेरा ये मेकअप से ही। और नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है इसका, एक्चुअली ये मेरे हस्बैंड जो है वो ओपन कर चुके हैं, उनको इसका जो फ्रेग्रेंस है बहुत पसंद आता है। ये है परफ्यूम बॉडी स्प्रे है ये, कोड का वाइल्ड स्टोन से है। और इसका ये दूसरा ट्राई किया है, इससे पहले वाला जो था फ्लेवर वो आई थिंक रेड कलर का था और ये ब्लैक कलर का है। इस फ्रेग्रेंस इसकी भी बहुत अच्छी है और इसकी जो क्वांटिटी है उसके कंपैरिजन में ज़्यादा है। तो नेक्स्ट था ये। अब नेक्स्ट है ये फ्रॉम द ब्रांड फॉक्सटेल। मैंने कुछ स्किन केयर प्रोडक्ट्स भी मंगवाए थे। इसमें है ये सुपर क्रीम। मैंने एक मॉइस्चराइजर मंगवाया था, ये वाला मैंने आप लोगों के साथ पहले भी शेयर किया हुआ है, एक्चुअली वो मेरा खत्म हो गया था तो मैंने फॉक्सटेल का इससे नायका से ही परचेज किया था। ऑल स्किन टाइप्स का ये मॉइस्चराइजर है और 50 ml इसकी क्वांटिटी है। और इसकी जो MRP है वो है 445 rupees। तो ये है मॉइस्चराइजर और इसका रिव्यू मैं अपने चैनल पर पहले भी दे चुकी हूँ, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट था ये। और उसके बाद अभी रिसेंट में मैंने आपको विटामिन सी का सीरम दिया था, विटामिन सी फॉक्सटेल ब्रांड से विटामिन सी सीरम का रिव्यू दिया था। तो वो मेरा ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, खत्म होने वाला है, ये तो मेरा खत्म हो ही चुका था, ये मेरा खत्म होने वाला है। तो इसको मैंने एक और ऐड कर लिया है, ये है विटामिन सी का सीरम फॉक्सटेल से, काफी अच्छा है। फ्रेग्रेंस थोड़ी थोड़ी सी आपको हार्ड, मतलब हार्श नहीं कह सकते, थोड़ी हार्ड नहीं कह सकते, ठीक ठीक लगेगी, मतलब इतनी भी नहीं है, बट जो फ्रेग्रेंस एलर्जी के हैं उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी ये काफी अच्छा रिजल्ट है इसका, तो मैंने इसका स्टॉक कर लिया है। नेक्स्ट है एक बीबी क्रीम, इसका मैंने छोटा वर्जन ही लिया, 9 ग्राम का आई थिंक, ये 9 ग्राम वाली है और इसकी एमआरपी 80 रुपये है। ये बीबी क्रीम मैंने मंगवाई थी पॉन्ड्स की, छोटा मोटा डे फंक्शन के लिए या फिर आप मार्केट वगैरह जा रहे हैं तो उसके लिए काम आती है ये। उसके बाद मैंने मंगवाया था ये कलर बार का सिंदूर, जो कि मुझे इसका कलर बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। इसका जो कलर है वो है रेड टमाटरी सा, बट मुझे जो चाहिए था वो मरून चाहिए था, तो फिर भी ठीक है, लगाना तो है ही। अब नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है इनसाइड कॉस्मेटिक्स का ही आईब्रो पेंसिल। एक जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में दिखाया था वो मेरा मिस हो गया था, वो मेरा खो गया, मुझे मिल नहीं रहा, तो मैंने इसको फिर से मंगवाया था। आईब्रो पेंसिल है ये, इनसाइड की आईब्रो पेंसिल, काफी अच्छा इसका रिजल्ट है, काफी अच्छे से आईब्रो को फिल इन करती है ये। और उसके बाद है बहुत, मतलब मेरा बहुत टाइम से इसका वेट था, मेरे पास कोई भी कंसीलर पैलेट इस तरीके का नहीं था जिसमें मेरे पास कलर करेक्शन की चीजें हों, तो मैंने ये फाइनली ऑर्डर किया था। मैंने यूट्यूब पे बहुत सर्च किया था कुछ अफोर्डेबल सा हो जो आप लोगों के साथ भी मैं शेयर कर सकूं, तो ये मैंने मंगवाया था फ्रॉम द ब्रांड मार्स का, ये कंसीलर पैलेट है कवर रेंजर। इसको मैं ओपन करके दिखाती हूँ 1 मिनट। और इसकी जो MRP है 549, और बहुत सारे, मतलब टोटल सारे ही शेड्स आपको मिल जाएंगे इन वन पैलेट। ये ऐसा है कि अगर आपको किसी पार्टी वगैरह में जाना है, कहीं दूर फंक्शन के लिए जाना है, तो आपको सिर्फ एक पैलेट का कैरी करने की जरूरत होगी। इसमें आपको कंसीलर, कॉन्टोर और जितने भी करेक्टर शेड्स हैं वो सब मिल जाएंगे। देखिए इस तरीके का ये है पैलेट, अगर आपको लिंक चाहिए होगा तो मुझे बताना। और आई थिंक ये शेड नंबर 2 है, इसमें 2 शेड्स होंगे, तो फर्स्ट वाला मैंने चूज नहीं किया था, उसमें कुछ खास मुझे वैसे डिफरेंस नजर नहीं आया इन दोनों में, बट फिर भी मैंने सेकंड वाला जो पैलेट था वो चूज किया था। इसकी जो मैं पिगमेंटेशन आपको दिखाती हूँ, इसकी 1 मिनट, कुछ इस तरीके से ये ग्रीन करेक्टर है और ये ऑरेंज करेक्टर है और ये पर्पल है, तो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स आपको मिल जाएंगे। और यहाँ पर कंसीलर और कॉन्टोर के शेड भी आपको अपने स्किन के अकॉर्डिंग मिल जाएंगे। वैसे आप इनको मैच करके भी अपना फाउंडेशन शेड भी बना सकते हैं काफी हद तक। तो इसको मैं जल्दी इसका रिव्यू करूंगी, मैं भी फर्स्ट टाइम यूज कर रही हूँ तो मैं भी आपको रिव्यू करके जरूर बताऊंगी। और उसके बाद मुझे मिला था, मैंने जो मंगवाई है ये है 2 लिपस्टिक्स मैंने ऐड की थी, जब इतना सारा सामान मंगा रही हूँ ऑफकोर्स लिपस्टिक तो मंगवाऊंगी, और लिपस्टिक का कलेक्शन मेरे पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा हो चुका है। जो मैंने 2 लिपस्टिक्स मंगवाई हैं वो है ये,
एक तो है ये स्विस ब्यूटी की, इसकी मैंने पहले भी आप लोगों के साथ नहीं शेयर तो नहीं किया था, बट मैं मोस्टली लगाती हूँ अपनी वीडियोस में, वही शेड मैं मोस्टली अप्लाई करती हूँ वीडियोस में। क्या मैं रेगुलर बेस पे भी उसकी बहुत बड़ी फैन हूँ। इसका जो कलर था आई थिंक वो प्लम हाउस था उसका शेड नंबर, और ये मैंने मंगवाया हॉट चेरी शेड नंबर 4। इसका दिखाती हूँ मैं आपको, इसके कलर पे ऑफ बहुत अच्छा है वाकई में, और ये बहुत देर तक स्टे भी करती है। ये कि स्वाच में आपको बहुत अच्छा शेड देती है। ये हॉट चेरी है, ना रेड है ना पिंक है, डार्क मरून टाइप है। जिनको भी इस तरीके के कलर्स पसंद है ना थोड़े से डार्क बोल्ड से, तो वो आप इस पर जा सकते हैं। ये वाले कलर मुझे बहुत पसंद आते हैं। और जो मैंने प्लम शेड मंगवाया है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने प्लम हाउस इसका ट्राई किया हुआ है, बट मैंने इसमें तो मैंने ऑलरेडी ट्राई किया हुआ है, तो मैंने इसका जो न्यू आया था HD मैट वाली, तो उसमें मैंने इसको ट्राई किया। एक बार मैं आपको दिखाती हूँ, ये इस तरीके की इसकी पैकेजिंग है, आप समझ गए होंगे देख के पैकेजिंग में से। मैंने पहली बार ये ट्राई किया। इसका थोड़ा सा मुझे जो कैप है ये लूज लगा, बट ये मैग्नेट के थ्रू काम करता है। इसमें यहाँ पर छोटी छोटी दो मैग्नेट्स लगी हुई हैं, तो इसका जो प्लम शेड है वो कुछ इस तरीके से, शेड्स बिल्कुल सेम मिलेंगे बट डिफरेंस सिर्फ इतना ही है, वो मैट है आई थिंक, वो सेमी मैट होगा, ये मैच HD मैट है। तो इसका जो शेड है वो है कुछ इस तरीके से है प्लम। आपको सही सही विजिबल हो रहा है या नहीं ये मुझे पता नहीं, बट प्लम शेड आई थिंक, ये वीडियो में थोड़ा पिंक पिंक सा दिख रहा है, बट इसका शेड जो है वो प्लम है। बहुत अच्छा लगता है बहुत, मतलब इवन आप किसी भी ड्रेस के साथ पहन सकते हैं, किसी भी ड्रेस के साथ इसको वेयर कर सकते हैं इस कलर को, इतना अच्छे से जाता है। क्योंकि मैंने ये खुद ने ट्राई किया है, कभी किसी शॉर्ट्स में मैं ट्राई करके दिखाऊंगी आपको इसके स्विस ब्यूटी के सारे लिप स्वाचेस, तब आई थिंक आपको आइडिया होगा। तो इतना सारा मैंने ये नायका से मंगवाया था, तो नायका से मंगवाने पे आपको कुछ ना कुछ फ्रीबीज जरूर मिलते हैं। तो मुझे भी दो चीजें मिली थी, एक थी लिपस्टिक और एक था ये लिप ग्लॉस। ये मार्स का मुझे लिप ग्लॉस मिला था फ्री में, और ये काफी अच्छा है। जैसे अभी मैंने कोई जैसे ये लिपस्टिक लगाई हुई है, प्योर मैट है, और ये है आई थिंक ये मेबिलिन की लगाई हुई है मैंने, और ये कुछ इस तरीके से आपको मिलेगी लिप ग्लॉस। मैंने पहले ट्राई कर ली है, कोई भी मैट अगर लिपस्टिक है आपके पास तो उस पे आप लिप ग्लॉस अप्लाई कर सकते हैं, तो बहुत ज्यादा शाइनी सी हो जाएगी वो। तो ये है लिप ग्लॉस, मेरे पास थी भी नहीं कोई लिप ग्लॉस एक्चुअली, मैं कभी ट्राई नहीं करती, मैं कभी लगाती नहीं हूँ लिप ग्लॉस वगैरह। और जो ये लिपस्टिक है ये भी स्विस ब्यूटी से मुझे मिली है, क्योंकि स्विस ब्यूटी की भी मैंने काफी परचेजिंग कर ली, और जिस ब्रांड की आप परचेजिंग ज्यादा करते हैं आई थिंक ऐसा ही कुछ हिसाब है, जिस ब्रांड से आप ज्यादा करते हैं उसी ब्रांड से आपको फ्रीबीज। जैसे कि आप सब जानते हैं कि विंटर्स में ड्राइनेस इचीनेस की प्रॉब्लम हो ही जाती है स्किन पे, आप जैसे बॉडी लोशन वगैरह लगाते हैं तो थोड़ी देर में आपकी स्किन जो है वो काफ़ी रफ सी लगने लगती है, बट डोंट वरी, उसके लिए मैं आप लोगों के साथ एक सॉल्यूशन शेयर करूंगी। तो मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, एक बहुत ही अच्छा सा बॉडी लोशन जो है फ्रॉम द ब्रांड ओजोन आयुर्वेदिक्स, है डीप हाइड्रेटिंग बॉडी लोशन, जिसमें आपको बहुत अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट्स मिल जाएंगे लाइक एलोवेरा, आलमंड ऑयल और पेंटे वाइटमिन, और काफ़ी अच्छी सी क्वांटिटी में आपको ये मिलेगा। 190 ml इसकी क्वांटिटी है। ऑल स्किन टाइप पे ये सूट करता है, नरिशिंग करता है, लाइट मतलब बहुत अच्छे से स्किन में आपके ये एब्जॉर्ब हो जाएगा। मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टी है, इसको आपको रीअप्लाई नहीं करना पड़ेगा, जैसे बहुत से बॉडी लोशन ऐसे होते हैं आपको थोड़ी थोड़ी देर बाद आपको अप्लाई करना होता है। तो कुछ इस तरीके की आपको ये बॉटल रिसीव होगी, जो कि बहुत ही क्लासी सा लुक है इसका, बिल्कुल भी आपको ऐसे नहीं लगेगा टुच्ची सी जैसे होती हैं, काफ़ी अच्छी इसकी पैकेजिंग है। और यहाँ पे आपको इसको सिर्फ पंप करना है, और इसकी जो फ्रेग्रेंस है, फ्रेग्रेंस इसकी बहुत औसम है, आप एक बार ट्राई करके देखिए, और बहुत अच्छे से ये स्किन में आपकी एब्जॉर्ब हो जाएगा इजीली, तो जितनी भी आपकी ड्राइनेस है वो सारी ही चली जाएगी एक ही बार आपको अप्लाई करना होगा, कोई भी रीअप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो मेरे कहने से आप एक बार इसको ट्राई करके, जो लिपस्टिक जरूरी। है वो है ये कॉफी शेड में है। वैसे इस तरीके की शेड्स मैं लगाती ही नहीं हूँ, बट फिर भी कभी ट्राई करके आपको दिखाऊंगी मैं। ये कॉफी शेड है और काफी अच्छा है, मतलब जो लोग अप्लाई करते हैं इस तरीके के शेड उनके लिए काफी अच्छा जाएगा ये। इसका एक बार मैं स्वाच दिखाती हूँ आपको, ये बहुत प्यारा शेड है ये,
और इसकी पैकेजिंग मुझे एक्चुअली अच्छी, ये सब चीज़ें मैंने मंगवाई थी नायका से। आई होप आप लोगों को वीडियो ये पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।